नमस्कार, आज के गांव संस्कृति बचाओ अभियान के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति बनी हुई है जो कि मिट्टी से बनी हुई है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, आज के वक्त में हम अपने घर में जो मूर्ति लेके आते हैं माँ दुर्गा की, वो पीओपी से बनी होती है और बाद में उसको हम 9 दिन अपने घर में रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं और 10वें दिन उसको दशहरा के दिन उसको जो है बाहर जाके सिला देते हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है कि जो पीओपी से जो मूर्ति बनती है वो नष्ट नहीं होती है, ऐसे ही रहती है और इको फ्रेंडली भी नहीं होती है, वो बाद में कचरे के तौर पर ऐसे ही पड़ी रहती है। लेकिन जो मिट्टी से बनी जो मूर्ति थी, जो हमारे पहले वक्त में बनती थी गाँव में, जो हमारी पहचान थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसको लोग भूलते जा रहे हैं। कहने के जल्द कम वक्त के कारण और सुविधाओं के कारण अब जो है लोग जो इस तरह की पीओपी की मूर्ति लेके आते हैं। जैसे कि मेरे पास रखी भी है, ये पिछले साल आई थी तो बची हुई थी, तो हमने इसको यहीं पे रख लिया। तो ये जो मूर्ति बनाई गई थी ये कल पूरी रेडी हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम लगा था इसमें बनने में। और जो मिट्टी है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब ना तो खेत बचे हैं इस शहर में, दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने भी गाँव है शहर है सभी इतने डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पर ना तो मिट्टी मिलती है मूर्ति बनाने के लिए, ना ही अब कोई खेत बचे हैं। ये जो मिट्टी है ये भी बहुत दूर से आई है, जो बर्तन बनते हैं जिस मिट्टी के, उसी मिट्टी से ये मूर्ति बनाई गई है माँ दुर्गा की, आप देख ही सकते हैं। इसमें काफ़ी समय भी लगा है और काफ़ी कल जो है काफ़ी बच्चों ने और घर की औरतों ने मिलकर इस मूर्ति को बनाया है। जैसे कि नवरात्रे हर साल आते हैं, 2 बार आते हैं और इस बार जो नवरात्रे हैं इसमें माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है और शाम को बच्चे गीत गाते हैं। तो मैं आपसे भी से कहना चाहता हूँ, जो हमारी संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति थी, जो हम गांव में अपने पूजा करते थे, इस तरह की मूर्ति बनाते थे, वो आज लुप्त हो चुकी है। इस साल हमने ये प्रयास किया है, मूर्ति बनाई है अपने घर में मिट्टी से और इसकी पूजा होगी। मैं आपसे भी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को आगे शेयर करें और आप सभी अपने जो प्राचीन संस्कृति थी गाँव की उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।